एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज फिर मैं खड़ी हूँ अपने किचन में। आप लोग सोच रहे होंगे फिर से कोई रेसिपी बता रही है भाभी। आज कोई रेसिपी मैं एज सच तो नहीं बता रही हूँ, वैसे जो कुछ बनाते हैं दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो इसीलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आज मेरे किचन में बन रहा है कुछ स्पेशल। स्पेशल बन रहा है दानिश के लिए। अभी रात के बज गए हैं 10:15 हो रहे हैं और 16 दिसंबर को होती है दानिश की बर्थडे, और इसीलिए 12 बजे मैं और परीसा ने सोचा कि पापा को जो है वो एक सरप्राइज देते हैं, केक बेक करते हैं पापा के लिए। सो मैं आ गई हूँ अपने किचन के अंदर, तो सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलूं और आप लोग भी देखें, और अगर आप लोग भी बाद में किसी के लिए सरप्राइज प्लान करना चाहते हैं तो ये केक ज़रूर बनाएं। मैं बना रही हूँ लावा केक, और ठंडी होती है और उसके अंदर हम जब भी बाहर जाते हैं तो बच्चे जो है वो कुकीज़ या बेक्ड गर्म गर्म कुकीज़ जो होती है वो आइसक्रीम के साथ या लावा केक या ऐसा कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ठंड भी बहुत हो गई है कराची के अंदर एंड आई एम थिंकिंग टू मेक लावा केक फॉर दानिश। वैसे मैं कुकिंग बेकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि सही बने, और मैं बेकिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। सो आई होप एवरीथिंग गोज वेल, और सो जल्दी से लेट्स स्टार्ट क्योंकि 10:30 हो गए हैं ऑलरेडी और टाइम लगेगा इसके अंदर। सो आप लोग भी देखो मैंने क्या क्या चीज़ें ली है। ओके, तो मैंने ये क्या रखा है, मैंने ये सॉसपैन रखा है, इसमें पानी डाला है और ये डाला, इसके ऊपर पानी टच नहीं होना चाहिए, बस इसकी भाप आनी चाहिए इसके अंदर। दिस इज़ कॉल्ड डबल बॉयलर। इसके अंदर मैंने डाली मेरी 120 ग्राम्स चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है ये, और मक्खन 110 ग्राम्स ऑफ बटर, ये बन जाता है हाफ कप ऑफ बटर। इसको अब मैं मेल्ट होने रखूंगी। दो अंडों की जर्दी, दो अंडे पूरे, 1/4 कप शक्कर, थोड़ा सा वनीला एसेंस, 1 टेबलस्पून मैदा जाएगा इसमें, और क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है बनाना। इजी ज़्यादा नहीं है, इजी भी है बनाना लेकिन मुझे आता नहीं है, वो अलग बात है। परीसा को बेकिंग आती है, मेरी बर्थडे पे भी परीसा ने केक बेक किया था। परीसा, ये मेल्ट हो गया अच्छे से, इसको ठंडा होने थोड़ा रख देते ना। फर्स्ट प्रोसीजर हमारा हो गया है, बटर और चॉकलेट जो है वो मेल्ट करनी थी, हमने मेल्ट कर दी है। नाउ दिस इज रेमेकिंस, ये रेमेकिंस होते हैं, इसके अंदर लावा केक बनता है। परीसा इसको बटर लगा दो ना। इसको अच्छे से बटर लगाना है पूरा एजिस पे और हर जगह। वेरी गुड, यूजिंग योर हैंड्स, इतने ड्रामे कौन करे ना। ये मैदा है, इसको एक मिनट पड़ी, मैदे को पूरे इसके एजेस तक यूं पैक करना है ताकि अंदर ज़्यादा रहे ना कुछ। इससे क्या होता है, केक चिपकता नहीं है, ऐसा मैंने इंटरनेट पे देखा पूरा टर्न इट। सेकेंड स्टेप ये था कि इसके अंदर बटर लगाया परीसा ने, और इसको मैदा पूरा एजेस पे लगा के नीचे यूँ थप थप किया, और इसको अभी जाता है ये साइड के ऊपर। ये इसका सेकेंड स्टेप था। ये रहा इसका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इसका ये है,
जर्दी और दो पूरे अंडे, और ये है इसके अंदर शक्कर। कितनी शक्कर डाली मैंने? डाली 1/4 कप ऑफ शुगर। ये देखा कि एक मिनट परिसा, ये हम लोगों ने जो डबल बॉयलर किया था ना, ये जो डबल बॉयलर किया था ये अब इतना ठंडा हो गया है कि हम इसको अंडे के अंदर डाल सकते हैं। इसको गर्म नहीं डालते वरना ये लावा केक नहीं बनेगा, अंडे की भुर्जी बन जाएगी। गरम अंडे में डाल, गरम अंडा इसमें डालेंगे तो भुर्जी बनेगी ना, चॉकलेट भुर्जी। आई होप नहीं। नीम ठंडा हो गया है ना, लेम जोक। इट वॉज़न अ लेम जोक, अगर हम गरम, इट वॉज़न अ लेम जोक ना। ये देखो अभी सब शुरू हो गए, वही अंडे में जाएगा तो भुर्जी बन जाएगी, चॉकलेट भुर्जी। पनीसा बीट करती जा रही है और मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ। पनीसा फेंकती जा रही है और मैं इसके अंदर बीट करती जा रही हूँ। ये बीट कर लिया, अब इसके अंदर जाएगा 1 tablespoon ऑफ मैदा, और इसको बिल्कुल भी हम अब मिक्स करेंगे, मतलब फोल्ड करेंगे। कैसे करते हैं फोल्ड बताती हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ओके, फोल्ड, ओनली फोल्ड। हाँ, दिस इज 1 tablespoon ऑफ मैदा, जस्ट फोल्ड इट। मैंने सब डाल दिया ना, वनीला एसेंस रह गया है। फोल्डिंग, ये नीचे से उठाया ऊपर डाला, नीचे से उठाया ऊपर डाला। नहीं वेट ना, फोल्डिंग हो गई इसकी। अभी जो है, मैं क्योंकि मैं इतनी बेकिंग करती नहीं हूँ, इतनी क्या, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मुझे आती नहीं है बेकिंग। मुझे कुकिंग का शौक है, ना मीठा खाने का शौक है, ना मीठा बनाने आता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने दानिश के लिए सीखी है, जैसे सिनेमन रोल मैंने दानिश के लिए सीखे हैं, और उसको फर्स्ट टाइम ही जब मैंने बनाया था तो बहुत अच्छे बने थे। बच्चे क्या, कि घर वाले क्या, बहुत मतलब दे वर लाइक कि ये तो एग्जैक्ट वैसा ही बना है। और पापा रोटी का बन भी एक दफ़ा ट्राई किया था लेकिन वो जल गया वो जल गया था, तो उन्होंने धोखा दिया था, सारा का सारा मेरे ऊपर ही डाल दिया था, मुझे हेल्प भी नहीं करी थी। अच्छा परी, ओके, ये मैंने फोल्डिंग कर ली है। मैं क्या करती हूँ कि पहले ना एक ट्राई करके देख लेती हूँ, बिकॉज तो फिर वो टाइम का आइडिया हो जाएगा कि 7 minutes रखना है, 8 minutes रखना है कि 9 minutes रखना है, ताकि फिर वो अभी 11 भी बज गए हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ पहले। और ओवन जो है वो प्री हीट करने रख दिया है पहले से। अभी ये भी हो गया, इसके अंदर ऊपर तक नहीं बिल्कुल भरना, नहीं अंदर रखना है। ओवन पहले से जो है वो प्रीहीट कर दिया है, रख। देखो मुझे बेकिंग का शौक भी नहीं है, इसलिए मुझे ओवन चलाने भी नहीं आता है। ये लीना कर रही है, इसको कितने मिनट्स के लिए रखेंगे हम? 7 minutes के लिए। क्या टाइम हो रहा है? 11 बजने में 5 minutes। और ये कितने पे रखा है? उस पे था कुछ, ये 260 पे। 240 कर देना, लेकिन 240 पे मैंने जो है वो पहला वाला अपना रेमेकिन का बोल रख दिया है, जस्ट टू चेक कि क्या टाइमिंग्स के ऊपर सेट होता है। मैं इसको 7 to 8 minutes के अंदर देखूंगी, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट ओवन्स के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। और अब मैं ज़रा बाहर की सेटिंग कर लेती हूँ। आई होप कि मेरा लावा केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट निकले। ओके, तो दानिश को हम लोगों ने रूम के अंदर भिजवा दिया है,
और 10 मिनट्स दिए हैं कि जो भी इधर उधर होना है हो जाओ, इसके बाद अभी बाहर हॉल के अंदर नहीं आना है। और ई वॉज लाइक ए सरप्राइज, केक का तो बता दिया लेकिन सरप्राइज और भी है। उसको ये नहीं पता है कि हम जो है वो बाहर डेकोरेशन भी कर रहे हैं विद बलून्स एंड ऑल, और उसको सिर्फ दानिश को ये पता है कि वी आर बेकिंग अ केक फॉर हिम एज यूजुअल, जो सबकी बर्थडे पे हम रात को 12 बजे करते हैं। सो लग जाए, अभी शुरू हो जाए हम अपने काम धंधे पे। गाइस ये जो है ना रूम बहुत गंदा किया हुआ है इन्होंने हॉल को, और ये हम जब ये यूज़ में नहीं होता है तो हम इसके ऊपर कवर्स लगा देते हैं, तो थोड़ा सा रूम का मेकओवर कर लेते हैं। अबे किम झाड़न ले दूँ? गरम है। Oh my God! Look at this! इसके अंदर से निकलेगा ना लावा? एक मिनट। ये हम लोग की कामयाब हो गई पहला। अब इसके अंदर से आई गेस लावा निकलेगा। लेकिन ये तो हम लोग का वो था ना, अभी हम दूसरा वाला करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट था। ये बच्चों को जिगली जेली लग रहा था। भाभी ने नहीं, मतलब वी कैन नीड दिस। मैंने ना गाड़ी के अंदर बलून्स जो है वो ब्लो करके रखवाए थे ताकि दानिश को पता ना चले बलून्स का, तो वो मैं जा रही हूँ लेने के लिए बच्चों के साथ। हीलियम और ये हीलियम वाले हैं। और भी सही नंबर मम्मी, और भी सही नदी छाव मारा। आई एम टीचर। जीरो तो जीरो, जीरो ये पूरा नहीं हुआ जीरो। दानिश की ना 40th बर्थडे है, तो हमारा बेबी आज 40 साल का हो गया है, इसीलिए ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही हूँ। 40 की एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है किसी की भी लाइफ में। बलून जब फटते हैं ना तो दिल बड़ा मेरा तो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत से उसको फुलाओ या इतने पैसों के लेके आओ और वो फट जाते हैं। मेरे बेबी की बर्थडे है आज। परिसार नदी से भी छोटा बेबी, मेरा पहला बेबी।
थैंक यू।